हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे ही होंगे। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने 11th क्लास का तीसरा चैप्टर। वैसे स्टार्ट तो हम कर ही चुके हैं उसको, लेकिन बाकी का भाग हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें और अच्छे से समझें। वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो। बीच में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट होते हैं। और बच्चों, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अपने दोस्तों को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और मेरी सारी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करो। तो बच्चों, ये हमारा तीसरा चैप्टर है, रोम साम्राज्य, ठीक है। तो इसका हम नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा तीसरी शताब्दी का संकट, ये है, ठीक है। ये हम करते हैं। देखो, हम पहले पढ़ चुके हैं कि पहली और दूसरी शताब्दियाँ कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से रही, ठीक है। क्योंकि पहली और दूसरी शताब्दी में किसका शासनकाल था? ऑगस्टस का। और ऑगस्टस एक शक्तिशाली सम्राट था और उसके पास बहुत ज़्यादा सेना थी, इसलिए पहली और दूसरी शताब्दियों में कोई भी बाहरी आक्रमण नहीं हुए। उसके साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनी रही, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो सम्राट नहीं रहा, तीसरी शताब्दी आई, तो क्या हुआ? साम्राज्य पर संकट गहरा गया। और तीसरी शताब्दी क्या हुआ? आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आए। तो तीसरी शताब्दी में साम्राज्य में थोड़ी उथल पुथल सामने आने लग गई। 230 के दशक में साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता पाया। कई मोर्चों पर जूझता पाया यानी कई तरफ से उनके आक्रमण हो जाते थे और वो इन लड़ाइयों में ही व्यस्त रहते थे। अब यहाँ पर आगे देखो, ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षा करते एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। यहाँ बात हो रही है ईरान की, ठीक है। कहाँ की? ईरान, रोम साम्राज्य की नहीं हो रही, ठीक है। अब ईरान में 225 ईस्वी में एक शक्तिशाली वंश उभर कर सामने आया। तो उसका नाम क्या था? शशानी वंश। क्या था? शशानी वंश। और 15 वर्षों के भीतर ही ससानी राजवंश फरात की दिशा में फैल गया। एक प्रकार का यह एक वंश था, ठीक है। और तीन भाषाओं में खुदे हुए प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शापुर प्रथम ने दावा किया है कि उसने 60,000, यहाँ देखो, 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है। यानी उनका क्या दावा था, जो ईरान का शासक था? ये हमें कहाँ से मिलते हैं स्रोत? जो ईरान का शासक के शापुर ने दावा किया है, और ये तीन भाषाओं में एक प्रसिद्ध शिलालेख में हमें पता चलता है कि ईरान के जो शासक का ने 60,000 रोमन सेना को मार दिया था, ठीक है। देखो, 60,000 सैनिकों को यानी उन्होंने मार दिया है। रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर भी कब्जा कर लिया है। ये किसका दावा था? ईरान के शासक का। अब देखो, इसी बीच कई जर्मन मूल की जनजातियाँ अथवा राज्य समुदाय, जिनमें से प्रमुख कौन थे? एलेमनाई, फ्रैंक और गोथ। क्या थी ये? अब देखो, ईरान का भी वो था, ईरान के शासक जो शशानी थे उनका भी खतरा था। अब ये तीन और जनजाति आ गई, इनका भी खतरा है। कौन सी जनजाति थी वो? ये देखो, एलेमनाई, फ्रैंक और गोथ, ये तीन और जनजातियाँ थीं जिन्होंने राइन तथा डेन्यूब नदी की तरफ बढ़े। कहाँ बढ़े ये? राइन और डेन्यूब नदी की सीमाओं पर इन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया। और 233 से 280 तक की समूची अवधि में उन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण करते रहे, जो काला सागर से लेकर आल्पस और दक्षिण जर्मनी तक फैले हुए थे, ठीक है। अब देखो, पहले इस ईरान के शासक ने दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सेना को मार गिराया है। ये तीसरी शताब्दी का संकट पड़ रहे हैं हम यहाँ पर। उसके बाद जो जनजातियाँ आईं, ठीक है, कौन सी? एलमनाई, फ्रैंक और गोथ, ये भी उन आक्रमण किए जा रही थी लगातार। तो क्या है, चारों तरफ से रोम घिरा हुआ था, आक्रमण हो रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आगे देखो उन्होंने क्या किया है। जो ये लोग थे, ये कौन थे? बाहरी लोग थे। ये कोई ईरान का था, ये जनजातियाँ थी, ये बाहरी लोग थे। और बाहरी लोगों को
रोम के लोगों ने क्या नाम दिया? विदेशी बर्बर। विदेशी बर्बर। बर्बर कौन होते हैं? जो निर्दयता पूर्ण हत्या करते हैं वो होते हैं बर्बर लोग। ठीक है, और ये देखो, तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतराल में, यानी 47 ईयर्स में 25 सम्राट सत्तासीन हुए। इसका मतलब ये है बच्चों कि देखो 47 वर्षों में, है ना, 25 सम्राट अपने राज्य से हट गए। यानी ये मान के चलो कि एक राजा ने कम से कम बस एक या दो वर्ष ही शासन किया होगा, या उससे पहले भी हट गया होगा, तभी तो 25 सम्राट चेंज हो गए 47 वर्षों में। ठीक है, नहीं तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कोई कोई राजा तो 50 साल तक अकेला राज कर जाता है, है ना। तो यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर उल्टा था। यहाँ पर 47 वर्षों में 25 सम्राट चेंज हो गए, यानी वो हार गए, अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि रोम साम्राज्य की स्थिति बिल्कुल नाजुक बनी हुई थी, तनावपूर्ण स्थिति से गुजरना पड़ रहा था। ठीक है, तो इसी को रोम साम्राज्य के जो सम्राट थे इनके खिलाफ युद्ध कर रहे थे। ये जातियाँ थी, ईरान था और ये, ठीक है। तो क्या हुआ, ये विदेशी भी तो रोमन थे ना, ये विदेशी थे ना, जो रोमन साम्राज्य के लोग इनको बर्बर कहते थे, और रोमन साम्राज्य के लोग इन जनजातियों से, ईरानियों से लड़ते रहते थे, इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। ये था हमारा तीसरी शताब्दी का संकट। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंग साक्षरता तथा संस्कृति। यहाँ पर है कि रोमन साम्राज्य की लिंग साक्षरता और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, आप रोमन साम्राज्य में एकल परिवार को महत्व देते थे। क्या थे? एकल परिवार। और एकल परिवार क्या होता है? जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं। ठीक है, अब क्या है देखो, वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहते थे। जो बच्चा बड़ा हो जाता था, जिसकी शादी हो जाती थी, वो अपना अलग मकान लेकर रहता था। ठीक है, अब घर में कौन रह गया? माता पिता ही रह गए। अब माता पिता जब घर में रहे तो उनकी देखभाल के लिए उन लोगों ने दास रखने शुरू कर दिए। कोई तो देखभाल करेगा ना उनकी। ठीक है, अब दासों का परिवारों में शामिल होना, तो इस तरह से दास उनके परिवारों में शामिल हुए। अब ये देखो, महिला पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होती थी। जिस महिला की शादी होती थी उसका अपने मायके की तरफ से भी, अपने माता पिता की संपत्ति में भी उसका क्या होता था? हिस्सा होता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तलाक देना आसान था। ठीक है, तलाक देना आसान था, बस उनको ये बताना होता था कि ये हम अब साथ में नहीं रह सकते, हमें तलाक चाहिए। तो तलाक की जो प्रक्रिया थी वो इजी थी। ठीक है, और विवाह की आयु क्या थी? पुरुषों की थी 28 से 29 साल में, 30 से 32 साल, और लड़कियों की कितनी थी? 16 से 18 व 22 से 23 की आयु में शादी कर दी जाती थी। और इसी बीच क्या है, पत्नी और पत्नी के बीच का आयु का जो अंतराल था वो बना रहता था। अब आगे है देखो, महिलाओं की स्थिति देखते हैं। इसमें कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी। ये हमें किस उदाहरण से मिलता है? ये है कैथोलिक बिशप ऑगस्टिन। ऑगस्टिन ने कहा है कि जो उस वो कहाँ का था? उत्तरी अफ्रीका का। उसने कहा कि उनकी माता जो थी वो उसके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी। यानी जो इसकी माता थी वो उसके पिता द्वारा क्या होती थी? घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती थी। और उस टाइम पर हर छोटे बड़े नगर में सभी की वाइफ, सभी की पत्नियां इसी तरह की पिटाई होती रहती थी। और इस बात का प्रमाण कैसे मिलता है? कि उनके शरीर पर लगी खरोचे जो ये बताती हैं कि उनको उनके पतियों ने मारा है, पीटा है। ठीक है, अब पिताओं को अपने बच्चों पर अत्यधिक कानून नियंत्रण होता था। यानी अगर वो पिता अपने कोई भी संतान को नहीं चाहता है तो उसको वो क्या कर सकता है? मार सकता है। कानून भी उसको कुछ नहीं कहता, वो उसे जिंदा रखे या मारे। ठीक है, ये उनका अपना मैटर होता था, कानून इसमें कुछ नहीं करता था। और वो शिशुओं को मारने के लिए क्या करते थे? कभी कभी ठंड में छोड़ देते थे, जिससे वो मर जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों ये साक्षरता वाला कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। एक बार ये देख लें, इतना आप अच्छे से पढ़ेंगे। और अपना बेटा, जो जिस बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखा करो, ये आपके लिए यूज़फुल है। और इसी तरह से मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगी जल्दी, इसका दूसरा पार्ट। और अपने दोस्तों को शेयर करो और कमेंट करो और लाइक करो जो चीज़ समझ में नहीं आए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।